पेट्रोल डीजल के लगातार आसमान छूते दाम ने आम आदमी का बजट पूरी तरह से गड़बड़ करके रख दिया है। तो वहीं गाड़ियों की बढ़ती संख्या से प्रदूषण काफी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स के बढ़ते खपत के चलते ग्रीन हाउस गैस भी काफी ज्यादा रिलीज हो चुकी है। इसकी वजह से हमारे पर्यावरण को भी काफी भारी नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। इनफैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली 5 में से 1 मौत के लिए फॉसिल फ्यूल से होने वाला प्रदूषण ही जिम्मेदार है। तो सोचिए, इतनी जहरीली हवा हो चुकी है हमारे आसपास की। ऐसे में इट इज द नीड ऑफ एन आवर कि हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स के इस्तेमाल की तकनीक को विकसित करें जो सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के भी अनुकूल हो पूरी तरह से। और ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आपको जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम लागत में पानी से हाइड्रोजन फ्यूल को अलग करने की टेक्निक को विकसित कर लिया है। IIT दिल्ली के प्रोफेसर और स्टूडेंट की एक टीम ने हाइड्रोजन प्रोडक्शन पायलट प्रोजेक्ट के तहत ईंधन बनाकर तैयार भी कर लिया है। यहाँ पर बता दें कि IIT दिल्ली के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की प्रोफेसर श्रीदेवी उपाध्याय युल्ला जी ने बताया कि ये एक फ्यूचर फ्यूल है। ये हमारे नॉर्मल पेट्रोलियम फ्यूल का तो एक काफी बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इससे ग्रीन हाउस गैस भी काफी ज्यादा कम रिलीज होगी। LPG सिलेंडर की तरह ही हाइड्रोजन फ्यूल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो आमतौर पर इस तरह के फ्यूल बनाने के लिए हमें पानी को 2000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पर गर्म करना पड़ता है, जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। तो डेफिनेटली 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लग जाती है। तो इसी चैलेंज को टैकल करते हुए यहाँ पर IIT दिल्ली की टीम ने सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन साइकिल के जरिए इसे काफी ज्यादा आसान बना दिया है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि हम केवल आयोडीन और सल्फर के इस्तेमाल से ही पानी से 150 डिग्री सेल्सियस में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे में वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं जब आपकी गाड़ी भी पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी से चलेगी और ये काफी बेहद सस्ती होगी। अब बस यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि ये एक्सप्लोसिव इन नेचर है तो इसे हमें एक काफी सुरक्षित स्टोरेज कंटेनर में स्टोर करके रखना होता है इन कार्स। आपने देखा होगा कि टोयोटा की कार मिराई जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है तो उसके हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक को काफी ज्यादा सुरक्षित बनाया है। तो बस उसी को डेवलप करना एक चैलेंज हो सकता है। वैसे जो मेन काम था फ्यूल को डेवलप करना तो उसे तो हमने बना लिया है। और अब इस लैब में तैयार किए गए हाइड्रोजन फ्यूल के 9 स्टेप में से 6 स्टेप को पूरी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की टीम ने इस फ्यूल को बनाकर भी दिखा दिया और इसके टेस्टिंग भी पूरी तरह से कर लिए है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पानी जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स को फ्यूल बनाने के लिए यूज करना बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है जो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। और इस साल के बजट के दौरान भी निर्मला सीतारमण जी ने हाइड्रोजन फ्यूल पर काफी ज्यादा बल भी दिया था। वैसे हाइड्रोजन फ्यूल और हाइड्रोजन कार्स के बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।